हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में वेट इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं एक न्यूरल नेटवर्क का वेट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, हम लोग दो टेक्निक्स देखेंगे, जेवियर इनिशियलाइजेशन एंड हे इनिशियलाइजेशन, और उनका केराज इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, एक बार समराइज कर लेते हैं कि वेट इनिशियलाइजेशन करते टाइम एक न्यूरल नेटवर्क के हम क्या चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ये लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और समरी में चार पॉइंट्स निकल के आते हैं। जो पहली चीज़ आप नहीं कर सकते वो है ज़ीरो इनिशियलाइजेशन, मतलब आप अपने सारे वेट्स का वैल्यू ज़ीरो सेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि आप जैसे ही ये करोगे ट्रेनिंग होगा ही नहीं, आपके वेट्स का वैल्यू जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ज़ीरो का ज़ीरो ही रह जाएगा, एटलीस्ट इन द केस ऑफ टैनेच एंड रेल्यू। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर सेकेंड ऑप्शन हमने डिस्कस किया था कि वॉट इफ़ हम नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ लें, लाइक 0.5 रख दे सारे वेट्स का। इस केस में भी कोई फ़ायदा नहीं था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि होगा क्या कि आपके मल्टीपल वेट्स एक साथ अपडेट होने लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप अगर 10 नोड्स भी डाल रहे हो किसी हिडन लेयर में तो इट विल एक्ट एज अ सिंगल नोड, तो आपका मॉडल विल नॉट बी एबल टू कैप्चर नॉन लीनियरिटी, वो एक लीनियर मॉडल बन के रह जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने सोचा कि वाई नॉट ट्राई रैंडम वेट्स। तो हमने क्या सोचा कि रैंडम वेट्स हम जनरेट करेंगे यूजिंग दिस फंक्शन, जो भी शेप में हमको जनरेट करना है। मान लो अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये चार वेट्स के लिए शेप हो जाएगा 2.2, क्योंकि हमें चार वेट्स चाहिए, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था विथ 0.01। हमने सोचा कि छोटे वेट से इनिशियलाइज करते हैं, बट इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, इससे दो प्रॉब्लम्स हुए। पहला वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और दूसरा स्लो कन्वर्जेंस, मतलब मॉडल अपने सॉल्यूशन पे बहुत देर से पहुंच रहा था। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़े बड़े वेट्स के साथ इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने फिर मतलब यहाँ पे बस ये जो 0.01 है इससे मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया और हमने सिंपली ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और ये जो वेट्स थे ये जनरेट हुए बिटवीन -3 to 3, रफली स्पीकिंग। यहाँ पे जो वेट्स जनरेट हो रहे थे ये थे आपके -0.01 से -0.01 तक। ठीक है, बहुत ही छोटे वेट्स। तो बेसिकली हमें इतना समझ में आया कि रैंडम वेट्स से तो इनिशियलाइज करना है, बट कितने रेंज में वो नंबर्स हैं ये बहुत मैटर कर जा रहा है। आप इतने छोटे रेंज में भी नहीं ले सकते और आप इतने बड़े रेंज में भी नहीं ले सकते, तो आपको एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा लर्निंग था। तो अब सवाल आता है कि कर क्या सकते हैं। फॉर्चुनेटली हम ऐसे डे एंड एज में रह रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स जो हैं डीप लर्निंग में, उन लोगों ने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है और उन्होंने कुछ ह्यूरिस्टिक्स निकाले हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब हुआ इन सिंपल वर्ड्स जुगाड़, मतलब कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला है बाय एक्सपेरिमेंटेशन, जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो हम वही दो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आज पढ़ेंगे। दो अलग सॉल्यूशंस हैं। पहले वाले का नाम है जेवियर, या फिर कभी कभी इसको ग्लोरॉट बोला जाता है, दोनों सेम ही बंदे का नाम है, इनिशियलाइजेशन। और सेकंड इज हे, या ही जो भी बोला जाए, ही इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और इन दोनों में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जेवियर का नॉर्मल वर्जन, जहाँ पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म। और हे में भी हम नॉर्मल पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म, ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, केराज में यही दोनों इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, नाउ द गुड पार्ट इज़
कि पहले से आपको वैसे पता भी होना चाहिए कि अगर आप टैन एच या फिर सिग्मोइड के साथ काम कर रहे हो, सिग्मोइड के साथ तो आप कोई काम करता नहीं है, अगर आप टैन एच के साथ काम कर रहे हो तो जेवियर इनिशियलाइजेशन आपको यूज़ करना चाहिए। इट हैज़ बीन प्रूवन एक्सपेरिमेंटली कि टैन एच के साथ ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट जेवियर देता है। और अगर आप रेल्यू के साथ काम कर रहे हो तो यू शुड वर्क विथ हे इनिशियलाइजेशन। अगेन इट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कि रेल्यू के साथ ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स हे के आते हैं। ठीक है, तो यही हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो है कुछ नहीं, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ फॉर्मूलाज निकले हैं, हम बस उन फॉर्मूलाज को देखेंगे, ठीक है, और फिर उनको केराज में इम्प्लीमेंट करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको एक इंट्यूशन देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंट्यूशन कि ये फॉर्मूलाज काम क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक का डिस्कशन समझे हो तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको अपने वेट्स को रैंडम वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना है, ये तो पक्की बात है। बट आपके जो वेट्स आप इनिशियलाइज करोगे उसका जो वेरियंस है, या फिर आप बोल सकते हो जो स्प्रेड है या रेंज है, वो बहुत छोटा नहीं हो सकता लाइक दिस, और बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता लाइक दिस, बिकॉज इन दोनों से अपना अलग अलग प्रॉब्लम आता है। ठीक है, बाय द वे मैंने शायद बताया नहीं, अगर आप लार्ज वेट के साथ काम करते हो तो भी आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम मिलता है इफ़ यू आर वर्किंग विथ सिग्मॉइड एंड टैन एच, और आपको एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम भी मिल सकता है इफ़ यू आर वर्किंग विथ रेल्यू। तो फंडा बस इतना है कि हमें चाहिए हैं रैंडम वेट्स, बट बहुत स्पेसिफिकली, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। तो हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन करना है इन अ गुड रेंज या फिर विथ अ गुड वेरियंस, यही हमें अभी समझना है। देखो इंट्यूशन बहुत सिंपल है, अभी तक अगर आपने सब कुछ फॉलो किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हम लोग रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन में दो चीज़ें कर रहे थे अभी तक, अगर आपको याद होगा। हम लोग स्मॉल वेट्स ले रहे थे, और स्मॉल वेट्स के केस में हम क्या कर रहे थे, हम एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, अगर आप ये सेटअप देखो तो जहाँ पे 250 डायमेंशनल इनपुट जा रहा है एक हिडन लेयर में, जहाँ पे 250 नोड्स हैं, बेसिकली इस वाले नोड को 250 इनपुट्स मिल रहे हैं और ऐसे 250 नोड्स हैं, तो शेप हो जाएगा 250,250। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.01 जैसे स्मॉल कॉन्स्टेंट से, और इन द केस ऑफ लार्ज वैल्यूज़ हम क्या कर रहे थे कि हम ये लिख रहे थे एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, सेम 250,250, बट इस बार हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 से। अब इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप 0.01 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये सारे के सारे वेट्स इस रेंज में हैं या फिर रफली इस रेंज में। ठीक है, अब खुद सोचो आपके जो एक्सेस हैं, ये जो एक्स है ये मान लो -1 to 1 या फिर 0 to 1 के रेंज में, जो कि फिर से छोटे ही हैं, ऐसे ऐसे आप 250 नंबर्स को, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐसे 250 नंबर्स को ऐड करो, दैट नंबर वुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर। और जैसे ही आप उसको इस नोड में भेज रहे थे तो उसके एक्टिवेशन फंक्शंस इस तरीके से डिजाइंड है कि वो उसको 0 बना दे रहे थे, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था स्मॉल के केस में। लार्ज के केस में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि आपने जो नंबर जनरेट किए वो -3 से 3 के रेंज में थे, तो आप -3 से 3 को -1 से 1 के रेंज में मल्टीप्लाई करो और इस तरह के 250 नंबर्स को ऐड करो, तो दैट नंबर कुड बी इन द रेंज ऑफ -250 to 250 रफली। अब इतनी बड़ी चीज़ को जब आप अपने एक्टिवेशन फंक्शन में भेज रहे थे तो वो सैचुरेट हो जा रहा था, मतलब अगर -250 है तो वो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन एकदम नेगेटिव मैक्स एज इन मिन में चला जा रहा था, और पॉजिटिव 250 है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जा रहा था। सो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज आपका ये जो नोड है ये जेड कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप समझ सकते हो, और ये उन साइंटिस्ट लोगों ने भी समझ लिया, कि आप किसी कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज फिर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, इट
जो नंबर से आप यहां मल्टीप्लाई करो इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिकली भी लोगों ने ये प्रूव किया, बट मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ विदाउट द मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है। लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो नंबर्स जनरेट करेंगे उसका वेरियंस शुड बी 1/n, ठीक है। n क्या है? n है कि जिस भी लेयर का आप वेट्स इनिशियलाइज कर रहे हो उसका पिछले वाले लेयर में कितने नोड्स हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि इस नोड को कितने इनपुट्स मिल रहे हैं। 250 मिल रहे हैं तो वेरिएंस होना चाहिए 250, और इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर अब किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे रूट ओवर ऑफ 1/250 विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इंट्यूशन क्या है इस चीज का? इंट्यूशन बहुत सिंपल है, अगर n बहुत ज्यादा है इसका मतलब आपके पास ये वाले इनपुट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो, ठीक है। इसीलिए आपने वेरिएंस बेसिकली हर नंबर को छोटा बना दिया, आपने रेंज को रिड्यूस कर दिया। सोचो ना, रेंज 1/n से डिफाइन हो रहा है, अगर n बहुत बड़ा होगा तो हर इंडिविजुअल वेट बहुत छोटा होगा, ठीक है। और अगर n बहुत कम होगा, अगर ये n का वैल्यू मतलब दो ही इनपुट्स है, मान लो यहां से दो ही इनपुट जा रहे हैं, इन दैट केस वेट आपका बड़ा होगा, एंड दैट्स द इंट्यूशन। यही किया साइंटिस्ट लोगों ने कि उन्होंने वेरिएंस का वैल्यू 1/n सेट कर दिया। n क्या है? पिछला वाला जो लेयर है उसमें कितना नोड्स है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक सिंगल नोड में कितना इनपुट आ रहा है, नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, इंट्यूशन बहुत सिंपल है कि अगर बहुत ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं तो आपको इस नंबर को बहुत बड़ा नहीं होने देना है, तो आप डब्ल्यू आईज को छोटा कर दोगे, इसीलिए आपने 1/n से कर दिया। और अगर ये नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत कम है तो डब्ल्यू आई एक्स आई बहुत छोटा भी ना हो, इसलिए आप डब्ल्यू आईज को थोड़ा सा बड़ा बना दोगे बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो यही है जेवियर इनिशियलाइजेशन, मैं आपको बता देता हूँ। जेवियर इनिशियलाइजेशन का जो फॉर्मूला है नॉर्मल वाले का जो फॉर्मूला है वो है रूट ओवर ऑफ 1/ फैन अंडरस्कोर इन। फैन इन क्या है? फैन इज बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट्स कमिंग टू द नोड, एक पर्टिकुलर नोड में कितने इनपुट्स आ रहे हैं वही फैन इन होता है, ठीक है। तो जेवियर इनिशियलाइजेशन में आप करते क्या हो कि आप मान लो ये है, आप ये चार वेट्स को इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो आप रफली ये लिखते हो np.random.randn 2,2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1/2, ठीक है। यही होता है जेवियर इनिशियलाइजेशन, राइट। कुछ जगहों पे ये फॉर्मूला थोड़ा अलग ढंग से भी इम्प्लीमेंटेड है, कुछ जगहों पे ये यूज किया जाता है 2 fan in + fan out। फैन आउट क्या होता है? कि कितना आउटपुट निकल रहा है एक पर्टिकुलर नोड से, ठीक है। वैसे ज्यादा ये यूज किया जाता है तो आप इस पर ही फोकस करो, बट आपको पता होना चाहिए कि एक वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से एक बार केराज में रन करके दिखाता हूँ कि ये वाला चीज़ यूज़ करने पे सच में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइज, यू कैन सी मैं फिर से सेम डेटा के ऊपर ही काम कर रहा हूँ टू बी कंसिस्टेंट। हमारा डेटा ऐसा दिखता है और हमें इसको हैंडल करना है। तो ये रहा मेरा मॉडल का आर्किटेक्चर। मैंने चार हिडन लेयर्स लिए हैं, 10-10 न्यूरॉन्स हैं, एक्टिवेशन फंक्शन tanh है, ठीक है। और गेट वेट से मैंने सारे वेट्स निकाले पहले, और फिर मैं क्या करूंगा उनको चेंज कर रहा हूँ। यू कैन सी np.random.randn, और इस बार देखो मैं np.square root कर रहा हूँ 1/2, बिकॉज फर्स्ट वाले लेयर में जो इनपुट आ रहे हैं वो 2 का इनपुट आ रहा है, और उसके बाद सबसिक्वेंट वाले में 10-10 का इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी मैंने अपने बायसेस को जीरो से ही कर रखा है इनिशियलाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और मैंने सेट वेट से ये वेट सेट किए और ये रहे मेरे नए वेट्स, ठीक है। और यू कैन सी थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग रहा होगा रेंज कैसा है। और फिर मैंने क्या किया, अपने मॉडल को ट्रेन किया विद द सेम सेटिंग्स, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। और जैसे ही मॉडल को ट्रेन किया, गेट वेट्स करने पे यू कैन सी वेट्स वगैरह चेंज हुए हैं, मतलब ट्रेनिंग ठीक से हुआ है। और फाइनली जब मैंने प्लॉट किया मेरे ग्राफ को, यू कैन सी काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओवरफिटिंग नहीं लग रही है और अंडरफिटिंग भी नहीं लग रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब जो डेटा में जो पैटर्न है वो रफली कैप्चर हो पा रहा है। मे बी मैं थोड़ा और ईपॉक्स के लिए अगर रन करता मॉडल को तो थोड़े और बेटर रिजल्ट्स मिल जाते, ठीक है। बट यू गेट द आइडिया कि हाउ जेवियर इनिशियलाइजेशन इज बीइंग डन, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, जेवियर इनिशियलाइजेशन जो है वो आप टैनेज के ऊपर ही लगाओगे, रेल्यू के ऊपर आप नहीं लगाओगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे टैनेज कर रखा है। So now that you have seen and understood Xavier या Glorot normal, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ हे नॉर्मल का फॉर्मूला, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो कि Xavier ज़्यादा अच्छा काम करता है टैनेज के केस में, और रेल्यू के केस में हे नॉर्मल ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये जो आपका फॉर्मूला था इसमें बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा कि वन के बदले टू आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा फैन इन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, 2/2 कर दोगे, ठीक है। तो वही हे नॉर्मल बन जाता है और ये रेल्यू के केस में यूज़ होता है। इफ़ यू आर वर्किंग विथ रेल्यू यू शुड बी यूजिंग दिस वन, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब इन कंक्लूजन्स पे कैसे पहुँचे ये लोग, ये ह्यूरिस्टिक्स है, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हुआ है। आप इनके पेपर्स पढ़ सकते हो, थोड़ा पीछे का मैथ्स उन्होंने समझाया है। इट्स जस्ट कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको एप्लीकेशन लेवल पे समझना है तो ये फार्मूला याद रखना विल बी सफिशियंट, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के नॉर्मल वर्जन्स। अब यूनिफॉर्म वर्जन्स भी होते हैं। यूनिफॉर्म वर्जन का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड फार्मूला। तो मैं दोनों का आपको बता देता हूँ। अगर आप जेवियर या ग्लोरॉट का बात करो तो जेवियर यूनिफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो आपका है माइनस लिमिट से लिमिट के बीच में आप अपने वेट्स को इनिशियलाइज करोगे या जनरेट करोगे, और लिमिट को आप डिफाइन करोगे बाय 6/ फैन इन प्लस फैन आउट। ये फॉर्मूला है आपका जेवियर यूनिफॉर्म का। तो आप इस गिवन रेंज में अपने नंबर्स को जनरेट करोगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बात करो हे नॉर्मल का, आई एम सॉरी, हे यूनिफॉर्म का, नॉर्मल तो हमने देख लिया। अगर आप बात करो हे यूनिफॉर्म का तो उसके केस में आपका जो फॉर्मूला है वो है आप माइनस लिमिट से लिमिट तक नंबर्स जनरेट करोगे या वेट्स जनरेट करोगे, और लिमिट इज़ डिफाइंड बाय रूट ओवर ऑफ 6/ फैन अंडरस्कोर इन, दैट्स इट, ठीक है। यही होते हैं आपके फॉर्मूलाज, ये आपको याद रखना है। एक्चुअली याद भी नहीं रखना है, मैं आपको झट से इनफैक्ट दिखाता हूँ कि केराज में आप ये वैल्यूज़ कैसे सेट कर सकते हो। सो केरास में ये वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक सेट करना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना होता है कि लेयर बाय लेयर बेसिस पे आपको ये काम करना है। जैसे मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, ये कर्नल इनिशियलाइजेशन पैरामीटर का वैल्यू सेट करना है। जैसे मैं रेल्यू के साथ अब आपको काम करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे हे नॉर्मल सेट कर दिया। अगर आप चाहो तो हे यूनिफॉर्म भी सेट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ग्लोरॉट नॉर्मल या फिर ग्लोरॉट यूनिफॉर्म भी सेट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो आप तब करोगे जब आप टैनेज के साथ काम कर रहे हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे हे नॉर्मल कर दिया। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि डिफॉल्ट में क्या रहता है, अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करते हो तो इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, तो मैंने जब सोर्स कोड निकाला केरास का तो वहां पे ग्लोरॉट यूनिफॉर्म था डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप ये बता सकते हो। सो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको रन करना है। एक बार मैं रन कर देता हूँ, गेट वेट्स देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह का आएगा, ये देखो उसी तरह का वेट इनिशियलाइजेशन है।
ठीक है, बाकी अब हम ये सारा कोड रन नहीं कर रहे, हम ये चेंजेस नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट, विल ट्रेन आर मॉडल, एंड हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। एक बार देख लेते हैं इसका रिजल्ट, यू कैन सी ठीक है, मतलब पिछली बार से थोड़ा खराब है, बट अगेन मल्टीपल चीज़ों की वजह से ऐसा होता है, आप चेंजेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस वॉज हे नॉर्मल, हे यूनिफॉर्म ट्राई करके देखना, टैनेच रख के आप लोग ग्लोरॉट यूनिफॉर्म और ग्लोरॉट नॉर्मल ट्राई करके देखना, ठीक है। सो केरास में कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। अगर आप दोनों वीडियोज़ को मिला दो तो आई नो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन था, बट जो भी समरी है वो बस आपको याद रखना है, और केराज में उसको कैसे चलाना है ये आपको आना चाहिए। ऑल दो आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ डेटा सेट्स के ऊपर चीज़ों को रन करके देखो, एक्सपेरिमेंट्स रन करो, और जो भी कंक्लूजन्स हैं उनको अपने दिमाग में बिठाओ, तब वो ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।